टीनू भैया, आपको कहीं लगे तो नहीं? घबराने की कोई बात नहीं, संतोषी दीदी आ गई है ना। देखो संतोषी दीदी, हम तो क्यों बोलना है ना, अब घर चल के पर। हम बोल रहे, देखो देखो संतोषी दीदी, हम कह रहे हैं हमें जाने दो। तीनों भैया कहाँ थे, ये गुड्डू भैया से पूछे ताई जी। ए संतोषी, क्या बकवास कर रही हो? गुड्डू से काहे पूछे हम, दोनों बदमाश है क्या वो? पापा, वो संतोषी ये कहना चाह रही है कि एक किडनैपर हमारा दोस्त है। कहा है रे, तुमको पूरी दुनिया में हमारा ही भाई मिला था किडनैप करने को। बहुत अच्छा हुआ कि संतोषी तुम्हें पकड़ ली, बहुत अच्छा हुआ। ये झूठ ना बोलो, ये हमें लेके नहीं आए थे, बल्कि आपने ही हमें भेजा था। कमाल की बुद्धि पाए हो गुड्डू, अरे इतनी उम्र गुजर गई, आज तक हमने ऐसी चलाकी नहीं देखी। घर में चोर है और हम दुनिया में ढिंडोरा पीट रहे थे, पर कीड़े पड़े ऐसे संस्कारों पर, अपने ही भाई को अगवा करवा दिया। अब जो ये बम फोड़े हो ना, तो उसका हर्जाना भी तो भरना पड़ेगा। अब भाई पुलिस को बुलाते हैं, वो ही अकल ठिकाने लगाएगी तुम्हारी। पापा, पापा कहाँ? नालायक इसलिए पैदा किए थे क्या तुमको? सारे घर की नाक कटा के रख दी तुमने। अधिया क्या कर रहे हो? नहीं खून है, शांत हो जाओ। अरे पूरे घर में अशांति फैला रखी है तुम्हारे लाल ने, और तुम हमें शांत होने को कह रही हो? अरे आज तो इसे हम छोड़ेंगे नहीं। आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, दूसरों को भाषण देने में तो सबसे आगे, अब जबान फूटे तो जाने। चाचा हम कह रहे छोड़िए ने, मारने पीटने से कुछ नहीं संभलेगा। ऐसे अकल के पैदनों को लातिन की भाषा ही समझ में आती है। जोर लगाकर हम पानी का आकार तो नहीं बदल सकते, लेकिन उसको सही जगह देकर उसका आकार जरूर बदल सकते हैं। और हम इंसान भी तो पानी की तरह ही होते हैं, जिसे जोर जबरदस्ती लगाकर नहीं बदल सकते, लेकिन सही दिशा देकर जरूर बदल सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है, ये नालायक सही दिशा का मतलब भी समझेगा? हा? हो सकता है समय ज्यादा लग जाए चाचा, लेकिन एक बात बताइए, सिर्फ मार पीट कर आज तक कोई कभी कुछ सीखा है? बचपन से सुनते आ रहे, जो काम प्यार मोहब्बत से हो सकता है वो मार पीट कर नहीं हो सकता। फिर किसी भी काम का हल मोहब्बत प्यार से क्यों नहीं निकालते हम? चाचा जी, अच्छे और बुरे का फर्क ही इन्हें अच्छा इंसान बना सकता है, और ये फर्क इन्हें समझाने से आएगा, मारने पीटने से नहीं। शेषनाथ, माधुरी और गुड्डू ना, ये तीनों की तिगड़ी अगर उल्लू बनाने की पाठशाला खोल लेना तो खूब चलेगी। क्यों कोस रही हो बेचारों को? गुड्डू पे तुम्हारा गुस्सा सही है, पर शेषनाथ और माधुरी ने क्या किया है? बस ज्यादा महात्मा बनने की जरूरत ना है, ज्यादा सुख चिंतक ना बनो इनके, जरूरत पड़ने में तुम्हारी मूंछों के बाल भी बेच देंगे। बोलो। अच्छा बेटा, एक बात बता, जब तू उन गुंडों के पास था तो उन्होंने तुझे परेशान तो नहीं किया? वो हमें परेशान करते, उससे पहले ही हमने उनसे चॉकलेट मांग मांग के उन्हें परेशान कर दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखना, किसी के साथ कहीं भी नहीं जाना, और किसी का मतलब किसी के साथ नहीं। ठीक है। आजकल का समय बड़ा खराब है। अबे बेवकूफ, अपहरण करके 10,000 की फिरौती कौन मांगता है बे? अबे जब कांड करना ही था तो कम से कम 50,000 रुपया तो मांगते। नाम डुबो दिए शेषनाथ का,
सपोले नहीं पिल्ले निकले, तुम तो कुछ नहीं सीखे हमसे। संतोषिया। हाँ जी चाची। अपनी अपने चाचा के लिए ना जरा नाश्ता बना दो। चाची हम वो पहले बहुत वो कहा है ना, तुम्हारे चाचा को तुम्हारे हाथ का नाश्ता बहुत ही पसंद है और तुम तो जानती हो अपने चाचा को। जानते हैं चाची, लेकिन हम बना देते, लेकिन हमें ना पहले ही बहुत देरी हो गई है। आप तो जानती हैं हमें काम पर जाना है। वो देखिए 5:30 हो गए हैं, 6 की बस पकड़नी है। हाँ तो कहाँ हुआ, आधा घंटा तो है ना। हम जानते हैं संतोषिया बड़ा फटाफट काम करती है, हमने सारी तैयारी करके रखी है। बना दो अपने चाचा के लिए नाश्ता। अच्छा ठीक है बनाते हैं। समय पर जाएंगी देवी जी, देखते हैं कैसे जाती है। हमारे बेटे को सबके सामने नीचा दिखाया था ना, हिसाब तो चुकाना पड़ेगा संतोषिया।